Let's do question number 11th of exercise 5D, that is arithmetic progression. Question number 11th is, if AN denotes the nth term of the AP, agar AN denote kar raha hai nth term is AP ki, AP kya hai 2, 7, 12, 17, find the value of A30 minus A20. Hame value nikalni hai A30 minus A20 ki. To kaise nikalenge? Pehle apni AP likh lete hain. AP thi 2, 7, 12 and 17 dash dash dash. Aur hame keh raha hai wo AN is the nth value. Nth term hai kehlayegi. Iska matlab jo last ki term hogi wo AN hai, right? Aur hame kya nikalna hai? A30 में से माइनस करना है A20 और हमें ये बताना है कि ये कितना आएगा. तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं. हमारी nth वैल्यू का फॉर्मूला होता था A plus N minus 1 into D. हम टर्म N कहें या nth वैल्यू कहें तो बात एक ही है. तो अब टर्म N में A कितना था, that is 2, n minus 1 क्योंकि n था तो n minus 1 ही रहेगा. d हमें पता चल गया 7 minus 2. देखिए यहाँ d निकाल के दिखा देती हूँ, ये d हो गया हमारा 7 minus 2, that is 5. तो अब इसके लिए ये वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली a30 और a20 की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो ये कितनी आ गई, a30 कितना आ गया, a हुआ हमारा, देखिए फर्स्ट वैल्यू 2 प्लस n क्या हुआ, देखिए n यहाँ था तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ क्या है 30, तो n आ गया हमारा 30 माइनस 1. d अभी हमने निकाला 5, तो ये कितना आ गया 2 प्लस 30 में से 1 गया 29 इंटू 5, तो ये आ गया 2 प्लस 5 9 जो 45, 4 कैरी 5 2 जो 10 11 12 13 14, तो ये आ गया 147. इसी तरीके से A20 कितना आएगा, दैट इज 2 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 5, राइट. मैंने सिर्फ n की वैल्यू चेंज की है, a प्लस n माइनस d में a सेम रहेगा और d सेम रहेगा, a और d, और सिर्फ n चेंज हो जाएगा 20. तो ये आ गया 2 प्लस 19 इंटू 5, तो ये कितना आ गया 2 प्लस 95, 19 5s is 95, that is 97 आ गया. अब A30 minus A20 की वैल्यू कितनी आएगी, A30 था हमारा 147 निकल के आया है, देखिए ये रहा, और A20 हमारा निकल के आया है 97, माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 50 is the answer. Let's do question number 12th of exercise 5D, that is arithmetic progression. Question number 12th is, the nth term of an AP is 3n plus 5. हमें AP की nth term दे रखी है 3n plus 5. Find its common difference. हमें common difference निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? देखिए nth value हमें दे रखी है 3n plus 5, right? यही दे रखी है. अब हमें common difference निकालना है, d निकालना है. तो d कैसे निकालेंगे? nth value का formula होता था हमारा a plus n minus 1 into d. अब nth value हमारी 3n है, तो n के साथ क्या है 3, हम यहाँ d के साथ n की multiply करते थे तो तब हमारा dn आता था. dn कितना आ रहा है, देखिए dn हमारा 3n आ रहा है, तो nn cancel हो गया, तो d कितना आ गया 3 आ गया. हम इसको क्या लिख सकते हैं, d के साथ 3 n माइनस 1. अब मैं अगर ये ब्रैकेट खोलूँगी तो माइनस 3 आएगा, लेकिन हमें प्लस 5 का चाहिए, तो मैं अगर यहाँ पे प्लस का 5 लाने के लिए क्या करूँ, 5 प्लस का लाने के लिए a में से माइनस 3 करना है, तो ये क्या आ जाएगा 3 लेफ्ट साइड चला गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का हो जाएगा 3, दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई 8. तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ 8 प्लस, तो हमें d पता चल गया, d कितना आ रहा है 3, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 3 इज द आंसर.